कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गर्दन को कोई तौर पे गोरा करने के लिए आटा चाहिए, दूध की बलाई चाहिए, आपको संदल पाउडर चाहिए, ब्लीच चाहिए और आपको एलोवेरा जेल चाहिए। अब हम इसको बनाते हैं, हमें किस तरह से बनाना है। अगर ब्लीच को आप स्किप करना चाहें तो इसका भी अल्टरनेट हमारे पास है, अगर आप ब्लीच नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो। लेकिन इसके फौरन इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये ईद की वजह से जितनी रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वो इंस्टेंट रिजल्ट की है। एक चम्मच मैंने आटे का लिया है, आप बेसन भी ले सकते हैं और चावल का आटा भी ले सकती हैं। उसके बाद कोई सी भी ब्लीच क्रीम जो आप इस्तेमाल करती हैं, डजंट मैटर हो कोई भी हो, उसका आपने जस्ट पाउडर लेना है, उसकी क्रीम नहीं लेनी। ये हम करीब आधा चम्मच लेंगे, आधा टीस्पून हम इसमें ब्लीच का पाउडर लेंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो एक टीस्पून आप ले सकती हैं ब्लीच के पाउडर का, मैं यहाँ पे आधा टीस्पून लूंगी। ठीक हो गया जी। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने, और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि ये दोनों चीजें जो है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। क्योंकि अगर ब्लीच के खुसूसी तौर पर जो पाउडर है उसके दाने अलग अलग हो तो वो ठीक नहीं होता। उसके बाद एलोवेरा जेल चाहिए, आप फ्रेश ले लें तो जबरदस्त है, क्योंकि उसका ज्यादा फायदा होता है। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स की मिल जाती है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने एलोवेरा जेल का लिया है। अब तीनों चीजों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये ईद के लिए हम स्पेशल शेयरिंग जो है वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि जिनको कोई तौर पर इंस्टेंट रिजल्ट व्हाइटनिंग चाहिए वो इन रेमेडीज पर अमल करके जो है वो फायदा उठा सके। अब हमने क्या करना है, इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हमारे पास दूध की बलाई है। जब हम दूध को बॉयल करते हैं उसके ऊपर से जो क्रीम उतरती है अगर वो नहीं है तो आप इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं, बट आप क्रीम ले तो ज्यादा बेस्ट है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, आप इसमें बलाई ऐड नहीं करें। तो आप इसमें 10 कतरे जो है वो लीमू का रस मिला सकती हैं, और अगर स्किन ऑयली है तो आप आटे की जगह बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमने इसी में बता दिया। अब हम चारों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और फाइनली हमने इसमें एक चीज और मिलानी है जो कि आप लोगों को नजर आ रही है, वो हम इसमें मिलाएंगे संदल की लकड़ी का पाउडर। आपको पंसार से मिल जाएगा बहुत आसानी से, हम इसमें आधा टीस्पून जो है वो ये संदल का पाउडर मिलाना है। अब बस हमारा नुस्खा बिल्कुल तैयार है, रेडी टू अप्लाई है। तो हमने तमाम चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्स कर लेने के बाद सिंपली अपनी गर्दन को वॉश कर लीजिए। अगर नहीं तो आप दूध जो है वो कॉटन के साथ ठंडा दूध, रोज वाटर जो है वो अपने गर्दन पर लगाइए। और हाँ, मजे की बात यह है कि आप इसे अपने हाथों पांव पे भी कर सकते हैं, बट चेहरे पर अप्लाई मत करिए इसको, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। हालांकि हम डायरेक्ट भी जो है वो ब्लीच अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने परेशान हो जाना और मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स भी आएंगे कि मैम चेहरे पर क्यों नहीं कर सकते, तो भैया आप इसे चेहरे पर भी कर लीजिए, क्योंकि हमने इसमें आधा टीस्पून जो है वो ब्लीच का पाउडर लिया। कोई टेंशन की, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई भी इससे आपको नुकसान नहीं होगा। तो आपका ये मास्क बिल्कुल तैयार है, इसे आपने जस्ट अप्लाई करना है और जब ड्राई हो जाए, और अगर ड्राई होने का वेट नहीं करना तो आप 25 मिनट के बाद इसको वॉश कर दीजिए चेहरे के ऊपर से। आप 15 मिनट तक, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
आपने अभी तक हमारे